नमस्कार, झारखंड NMMSS अर्थात राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति 2020-21 के मेंटल एबिलिटी का यह पार्ट थ्री वीडियो है। इससे पूर्व मैंने पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रश्न संख्या एक से लेकर 30 तक के प्रश्नों का हल प्रस्तुत किया गया था। आज मैं प्रश्न संख्या 31 से लेकर 45 तक के प्रश्नों को हल कर रहा हूं इस पार्ट थ्री वीडियो में। प्रश्न संख्या 31 है, नीचे दिए गए अक्षर समूह के अक्षरों को यदि पुनर्व्यवस्थित यानी रीअरेंज्ड किया जाए तो इस व्यवस्था से एक शब्द का निर्माण होता है, जो दिए गए विकल्पों में से कोई एक प्रकार का होगा। सही प्रकार को चुनिए। तो यहां पर एक अक्षर का समूह दिया गया है, वाई ए एन एन बी। अब इसे हम एक ऐसा शब्द बनाना है और वो शब्द इन चारों जो ऑप्शन है उसी से संबंधित होगा। तो बनाने की कोशिश करें, मैं यहां बना दे रहा हूं। ये है बी ए एन वाई ए एन। तो देखिए, यहां बी एक था, यहां भी एक है, यहां दो बार ए आया था, यहां हमने दो बार रखा है ए ए। वाई एक था, यहाँ एक है, एन भी दो बार था, एन भी दो बार है। तो ये हमारा बन गया बनियान, और ये बनियान क्या होता है? बरगद का पेड़। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, माउंटेन, ट्री, रिवर, मॉन्यूमेंट, तो ये बरगद किस कैटेगरी का है? ट्री। प्रश्न संख्या 32, किसी सांकेतिक भाषा में बेसिक को CBTJD लिखा गया, तो उसी सांकेतिक भाषा में लीडर को लिखा जाएगा। तो जब भी ये कोड वाली बात आती है, सांकेतिक भाषा वाली बात आती है, तो हमें देखना है कि ये जो पहले से दिया गया है इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो थोड़ा गौर से देखें, तो यहां देख रहे हैं बी है, तो यहां पर आ गया सी, बी के बाद ए है, तो ए के बाद आ गया बी। यहां एस है, तो यहां टी हो गया, एस के बाद टी आता है, आई के बाद जे और सी के बाद डी। इसका रूल हमें पता चल गया कि एक लेटर आगे चल रहा है। तो इसी तरह से हम इसका बनाएंगे। तो एल, तो एल के बाद क्या आएगा? एम। ई के बाद एफ, ए के बाद बी, डी के बाद ई होता है, और ई के बाद एफ, और आर के बाद एस। तो ये कौन सा ऑप्शन है? स्पष्ट रूप से ये पहला वाला ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 33 से 35, नीचे कुछ अंकों के नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, ध्यान पूर्वक इनका अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दे। तो देखिए, यहां पर कुछ अंक लिखे हैं और उससे रिलेटेड उसका कुछ अक्षर दिया हुआ है, लेटर दिया हुआ है। ये 5 है, 2 6 3 0 1 8 7 4 9, और ये 5 के नीचे P, 2 के नीचे D, 6 के नीचे N, 3 के नीचे है L, O के सॉरी 0 के नीचे है G, 1 के नीचे K, 8 के नीचे H, 7 के नीचे J, 4 के नीचे B और 9 के नीचे A। तो प्रश्न संख्या 33 में देखिए, 1 0 0 3 2 4 1। तो यहां कुछ नहीं करना है, बहुत आसान प्रश्न है। यहां 1 दिया हुआ है, तो यहां हम देखेंगे 1 के नीचे क्या है? के। चलिए यहां पर हम लिख देते हैं के। उसके बाद 0 है, तो
सुनने का है जी, तो दो बार है ये जी जी। इसके बाद थ्री है, थ्री के नीचे क्या है एल, एल हो गया। और टू, टू के नीचे डी डी। और फोर है ये, तो इसके नीचे बी है। और वन के नीचे के, तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये फोर्थ ऑप्शन देखिए वही आ रहा है, तो ये हमारा सही है। अब 34 नंबर, थ्री, तो थ्री क्या है एल, तो एल वाला कौन सा है? एक ये है और एक ये है, चलिए इन्हीं दोनों में से कोई होगा। इसके बाद टू है, टू में डी है, तो यहां पर डी आ गया, यहां तो डी नहीं है। तो यहीं पर हमें पता चल गया कि ये दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है ये। अब आगे जांच करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर से पता चल गया। 35, तो 35 में है फोर, तो फोर है बी, तो बी कहां पर है? ये वाला, बस यहीं पर पता चल जा रहा है तुरंत। फिर थोड़ा सा और आगे हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, ये टू टू, तो टू है डी, देखिए यहाँ डी डी, तो और कोई ऐसा बी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 to 39, किसी कोड में यहां पर दिया हुआ है, ये तीन चिन्ह दिए हुए हैं का अर्थ राम इज गोइंग, फिर ये तीन चिन्ह दिए हुए हैं इसका अर्थ है श्याम इज गोइंग, तथा फिर तीन चिन्ह है का अर्थ राम एंड श्याम है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 36 है, राम का कोड क्या है? तो अभी हम देख रहे हैं ये वाला, ये जो कोड दिया हुआ है ये और ये, ठीक है। तो अब इसके बाद एक और देख रहे हैं, राम एंड श्याम, इसका ये है, तो देख रहे हैं कि इसमें भी राम है इसमें भी राम है, ठीक है। तो इन दोनों कोड में कॉमन क्या आ रहा है? ये त्रिभुज जैसा वाला है ना, तो इसका मतलब राम का कोड वही है, तो ये ऑप्शन नंबर थ्री है। इसके बाद देखिए श्याम का कोड क्या है, तो अब देखिए यहां यहां पर देखिए ये है, इसका अर्थ है श्याम इज गोइंग, और ये श्याम इज गोइंग, और ये है राम एंड श्याम। तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों में श्याम कॉमन है, तो इन जो कोड है इसमें क्या कॉमन हमें नजर आ रहा है? ये जो काला वाला जो सर्कल है, तो यही हमारा श्याम होगा, ये ऑप्शन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर 38, इज का कोड क्या है? तो आइए देखते हैं। यहां देखिए ये है राम इज गोइंग और ये है श्याम इज गोइंग, तो हमें अभी पता चल गया कि ये राम का कोड है और ये वाला श्याम का कोड है। तो फिर ये बच जा रहा है, यहां ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, ये दोनों में है, और यहां इज गोइंग है, ये भी इज गोइंग है, तो इन दोनों में कोई एक इज है कोई एक गोइंग है, तो यहां ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। या तो ये जो स्क्वायर है ये होगा, ये तीर वाला, दोनों में से कोई होगा, तो ये यहां पर इस प्रश्न में ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसका कोड ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो इस प्रश्न में दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, दोनों में क्लियर कौन है ये पता नहीं चल रहा है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, 39, एंड का कोड क्या है? तो आइए फिर यहां पर देखते हैं, राम एंड श्याम, इसका ये कोड था और ये था राम, ये था श्याम,
ये राम ये श्याम, तो ये प्लस वाला हमारा एंड हो गया। ये एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, किसी कोड में स्टेडी का कोड ये है, क्वेश्चन दिए हुए हैं और जितने यहां अक्षर है लेटर है उतने ही यहां पर चिन्ह भी है। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां चिन्ह भी उतने ही है, 1 2 3 4 5 6, अर्थात हर लेटर के लिए एक कोड है यहां पर। तथा एंट्री का कोड यहां भी वैसा ही है, हो तो सीडेट का कोड क्या होगा? तो यहां देख रहे हैं एस का कोड है ये, तो यहां एस यहां फिर से लिखते हैं, चलिए एस ई डी ए टी ई, तो एस के लिए यहां ये क्रॉस वाला है, तो ये क्रॉस हो गया। ई कितना है, ये तीसरे वाले में ई है, तो यहां तीसरा वाला ये माइनस वाला चिन्ह है, और डी लास्ट से एक पहले है तो ये वाला त्रिभुज वाला है। अच्छा ए लास्ट से तीसरा है तो ये परसेंटेज वाला है, और टी फर्स्ट सेकंड वाला, ये तीर वाला है ये, और ई ये तीसरा है अर्थात ये माइनस वाला, तो इनमें से कौन सा है ये? आप देखें ये कौन सा हो रहा है, ये क्रॉस माइनस ये देखिए दूसरा नंबर आ गया हमारा, है ना, ये दूसरा नंबर हमारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41, बाघ का हिरण से वही संबंध है जो बिल्ली का, और चार ऑप्शन दिया है, चूहा मक्खी कुत्ता घोड़ा। तो हम लोग जानते हैं कि जंगल में बाघ हिरण को खा लेता है, हिरण बाघ का आहार होता है, तो बिल्ली का आहार क्या होता है? चूहा। 42, रांची और झारखंड में वही संबंध है जो उत्तर प्रदेश का ब्लैंक से है। तो हम लोग जानते हैं रांची झारखंड की राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी इन चारों में से कौन सा है? लखनऊ है। क्वेश्चन नंबर 43, जापान टोक्यो, तो अर्जेंटीना का क्या होगा? तो जापान की टोक्यो से क्या संबंध है? ये इसकी राजधानी है, तो अर्जेंटीना का राजधानी यहां पर होगा और वो होता है ब्यूनस आयर्स। क्वेश्चन नंबर 44, लाल किला दिल्ली, यानी लाल किला कहां है? दिल्ली में है, तो ये रेड स्क्वायर कहां पर है? मॉस्को में है। क्वेश्चन नंबर 45, असफाल्ट सड़क, ये असफाल्ट जो है ना ये अलकतरा को बोलते हैं और इससे सड़क बनती है, तो दूध से क्या बनता है? मक्खन बनता है। तो इस तरह से हमने पार्ट 3 वीडियो में 31 से लेकर 45 तक के प्रश्नों को का हल प्रस्तुत किया है। अब इसके बाद के जो पार्ट होंगे उसमें बाकी प्रश्नों को हल किया जाएगा। आशा है ये प्रश्न आपको काफी उपयोगी सिद्ध होंगे आपके लिए, आगे जो परीक्षा देने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं इस तरह की परीक्षाओं का, चाहे वो NMMS हो या CMMS हो या आकांक्षा हो, सभी में इसका उपयोग होगा, सभी के लिए ये लाभदायक है। धन्यवाद।